क्या मामला? हम बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे, हमको आया बाप बेटा थी पकड़ के रूम में ले जाकर बड़ी मार मार नशे न कहे। किस लिए? कोई विवाद था? बोला कि हमारा बेटी को तुम फोन करता। आपको कहे ये बात कह रहे थे? हाँ, हमको बोला कि तुम बतियाता, फिर बतियाता हमको। हमने नहीं पूछा, देख लो मोबाइल भी छीन लिया मेरा। अच्छा, उसी के पास मोबाइल आपका? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? डहरिया। क्या नाम है? गौतम कुमार। विवाह होल है कि नहीं हुआ? हाँ, चार बाल बच्चा है। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी सर, हमको मर्द गाड़ी चला के आता है ना सर, तो सो जाता है और उसको लड़की सारा रात कॉल करता है, सारा रात कॉल करता है। हम फोन उठाते हैं तो कहता है फोने काट देता है। हमके फूती जाते बैठे तो नहीं, हम फोन कर देता है सर, सारी रात कॉल करता है। हमको मर्द गाड़ी भी चलाता है, जखनी भी कॉल करता है सर। मतलब वही कॉल करता है? वही कॉल करता है सर। हमको मरा रोड पर गाड़ी मोबाइल चला था सर, मोबाइल रोड पर से घिस के ग्यारह में गमछा लगा के फूदी ज्यादा ले गया, दोनों बाप बेटा गमछा लगा के मारा है किला से, कत्ता लेकर मेरे मरद के काट रहा था। कत्ता तो शहीद के काट, हम तो जान मार देंगे सर जे कर रहा है। आपका कहाँ घर हुआ? हमको पत्नी। क्या नाम है आपका? हमको संगीता देवी नाम है सर। मामला है सर, ये है लहरिया पोखर के जी, गौतम कुमार परिसर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, लहरिया पोखर बाग पटना जी। इनके साथ मारपीट हुआ है, जो किया है विकास कुमार परिसर खुद्दी यादव जी, और एक है राकेश कुमार परिसर खुद्दी यादव लहरिया पोखर जी। ये लोग गोटिये में आता है, जो आपस में मारपीट आपसी रंजिश में किया है। ये कह रहे हैं कि लड़की का मामला है सर, अभी तो सामने नहीं आई है, जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। जिनको हम लोग अनुमंडल अस्पताल बाद इलाज लाए। आपका परिचय क्या हो? मेरा परिचय सर, मैं ये एसआई राकेश कुमार ठाकुर, बार थाना 112। मामला है मारपीट, क्या घटना हुआ? वही हमारा बच्चे के साथ में चौखानी करता है। आपकी बच्चे के साथ? हाँ, चौखानी करता है। कौन चौखानी करता है? वही लगावा। क्या नाम है उसका? गौतम कुमार। कहाँ घर है उसका? लहरिया पोखर। आपका घर कहाँ? लहरिया पोखर। तो आपकी बच्ची के साथ छेड़खानी कब किया? ढेर दिन से कर रहा था। मैंने क्या करता है? बातचीत मोबाइल से, सिम कभी सिम मोबाइल ले लेता, सिम दे देता है, सिम दे देता है उसको। आपकी बच्ची भी बात करती होगी तब? नाबालिग है बच्ची आपके? नहीं नहीं, हमारी बच्ची पढ़े लिखे होशियार है। नाबालिग है कि बालिग है? नहीं, नाबालिग है। उसकी पत्नी कह रही है कि आपकी लड़की के द्वारा ही फोन किया जा रहा है। नहीं नहीं, इसी में मारपीट क्यों हो गया? आपको तो थाना जाना चाहिए था ना। हम वहाँ पर नहीं ना थे सर, बाद में वो तो जानवर को खाना दे रहे थे। आप जानवर को खाना दे रहे थे? हाँ, जानवर को उधर खाना दे, हमारा दो जगह मकान है, जानवर को खाना दे रहे थे। तो आप आज क्या देखे? क्या देखे आप? हम उधर आए तो पूछे कि दुकान पर ऐसे ऐसे बात है ले, वो आप सिमा वही रख ले है। वो तो आपकी बच्ची बताई कि सिम दे रहा था? नहीं, हमारा बचवा बोला। उधर तो हमारा बच्चा तो अति कोठा पर था। मैंने बच्ची बात करती है खुद? नहीं, वो कोठा पर था, उसी में देवे लगी, वो आगे पीछे अथी मतलब कर अथी हो रहा था। इसीलिए आप मारे? हम तो मारबोन के, हम तो उसको छुबोन के, वो जे बोले अभी कुछ। कौन उसको मारा? मेरा बच्चा नहीं बोल रहे, दो चार लपड़ मारा, मतलब हाथ से दो चार लपड़ दिया। कोई भी सर देखेगा कि अथी में तो कोई भी व्यक्ति न करेगा, हम ही रहते हैं उस जगह पर तो नहीं लपड़ थपड़ करता हूँ कि दूसर कोई है। ये लड़का जो है उसका शादी शुदा है? इसको हाँ, इसको भौजाई से शादी किया है। मैंने किसी से भी किया शादी के लिए? हाँ हाँ। और बाद आपके बच्चे से बतियाता है? बतियाना चाहता है। हाँ भाई, बच्ची को सिम कभी दे देता है, कभी मई तो दो तीन बार तो ब्याह हुआ था, सब मोहल्ला में जान रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद।